बिहार बोर्ड से जितने भी परीक्षार्थी मैट्रिक इंटर पास प्रोत्साहन राशि के लिए ऑनलाइन आवेदन कर दिए हैं, तो आप सभी जानते हैं, आप सभी छात्र छात्राएं आवेदन किए हैं, तो आप सभी काफ़ी दिन हो गया होगा आपका आवेदन करते हुए, आपने फॉर्म को फाइनलाइज भी कर लिया है और आपका अभी तक आप सही सही आपका शो भी कर रहा है, आपका सभी जानकारी, आपका जो भी जानकारी आप फॉर्म फिलअप करते समय आप भरे होंगे वो सभी जानकारी आपका सही सही शो भी कर रहा है, और उसके साथ साथ आप सभी डिटेल को वेरीफाई हो गया, डिपार्टमेंट वगैरह सभी चीज़ वेरीफाई हो गया, लेकिन वहाँ और वहाँ पर लिखा भी आ रहा है, यहाँ पर देखिए आपके सामने, आप खुद देख सकते हैं, आप भी आप चेक करते होंगे, डाटा ओपन करते होंगे, तो इसी रूप में आपके सामने यहाँ पर लिखा आ रहा होगा, आपके सामने आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है कि आपका भुगतन की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है, भुगतन की प्रक्रिया शुरू होने का इंतजार करें, और आपके लिए काफ़ी बड़ा खुशखबरी निकल कर आ रही है कि आपका भुगतन की प्रक्रिया शुरू होने जा रहा है, जिसका बकाया डेट जारी कर दिया गया है, और कब आवेदन किए थे और आपका पैसा कब तक आ जाएगा आपके खाते में, उसे हम लोग समझने का प्रयास करेंगे इस वीडियो में। और उसके साथ साथ आपके यहाँ पर देखिए, चलिए मैं आपको दिखा जल्दी से दिखा देने जा रहा हूँ, आपने यहाँ पर सभी डिटेल इसी प्रकार से सभी आपने शो कर रहा होगा, और यहाँ पर लिखा होगा कि पेमेंट स्टेटस में आपका एप्लीकेशन मान्य है, भुगतान की प्रक्रिया प्रारंभ होने तक प्रतीक्षा करें, और उसके साथ साथ ये भी शो हो रहा है कि आपका भुगतान की प्रक्रिया जल्द शुरू कर दिया जाएगा, इसके लिए आप इंतजार करें, सभी डाटा आप फाइनलाइज कर दिए हैं। लेकिन काफ़ी छात्र हमें ये भी मैसेज शो कि यहाँ पर आपके देख पा रहे होंगे, यहाँ पर डियर योर कस्टमर डीबीटी गवर्नमेंट पेमेंट ऑफ 25,000 क्रेडिट टू योर बैंक अकाउंट, यहाँ पर देखिए इतना इतना शो भी बताया जा रहा है। लेकिन काफ़ी छात्र यहाँ पर बता रहा है कि सर काफ़ी लोग का पैसा आने जा रहा है, और काफ़ी छात्र का पैसा आया है, यानी कि यह छात्रा का होता है 25,000, यह छात्र के मिलता है, और मैट्रिक में 10,000 रुपया आपको छात्र एवं छात्रा दोनों को मिलते हैं 10,000 रुपया, और यह 25,000 की राशि सिर्फ छात्राओं को मिलती है, तो आप यहाँ पर क्लियर देखें। तो मैं आपको चलिए इस वीडियो में ध्यान से बताता हूँ कि अभी किसी का पैसा आया है कि नहीं, और उसके साथ साथ किसी का पैसा आया होगा तो कैसे उसका स्टेटस किस प्रकार से दिखाएगा, और आपका पैसा आपके खाते में कब तक भेज दिया जाएगा, सभी चीज को जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करके तमाम दोस्त मित्र के पास शेयर कर दीजिएगा। चलिए समझते हैं ध्यान से कि आपका पैसा कब आएंगे, इसके लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति इतना तारीख को आपका पैसा अर्थात की डेट भी जारी कर दिया गया है, इस डेट को आपके खाते में इतना रुपया भेज दिया होगा। इसी प्रकार से आप फॉर्म को सभी चीज फाइनलाइज वगैरह कर लिए होंगे, अगर आप अभी तक आवेदन वगैरह नहीं किए होंगे तो आवेदन कर लीजिए, जिसका डेट यहाँ पर देखिए क्लियर रूप से बताया गया, यहाँ पर अप्लाई फॉर 31 जुलाई तक इसका डेट रखा गया है, तो आप यहाँ पर क्लियर से आप अभी भी आवेदन कर सकते हैं, और उसके साथ साथ आप मैट्रिक को चाहे इंटर के, तो दोनों के लिए यहाँ पर डेट यहाँ पर बढ़ा दिया गया। तो चलिए समझते हैं कि किस रूप में आपका पैसा आएगा, कब तक आपका पैसा भेज दिया जाएगा आपके बैंक अकाउंट में, और क्या प्रोसेस बताया जा रहा है कि आपके पैसा के लेकर, सभी चीज को जानने का हम लोग प्रयास करते हैं। चलिए ध्यान से स्टेटस चेक करने के लिए, चाहे मैट्रिक या इंटर की पैसा कब तक आपके खाते में आ जाएगा वो चेक करने के लिए, चाहे आप अपना स्टेटस देखेंगे कि आपका स्टेटस में किस प्रकार से फॉर्म फाइनलाइज हुआ है तो क्या शो कर रहा है, सभी चीज करने, ये सभी काम करने के लिए आपके अपने मोबाइल फोन में गूगल क्रोम ब्राउजर को आपको ओपन कर लेना, और यहाँ पर मैं आपके सामने जो जो गूगल सर्च बॉक्स में आपके सामने यहाँ पर सर्च करता हूँ, इसी रूप में आपको टाइप करना है, उसके बाद आपको सर्च करना है, सिंपल आएंगे यहाँ पर आपको मेधा शॉप लिखकर यहाँ पर सर्च कर देना है। जैसे मैं यहाँ पर देखिए एक एक चीज यहाँ पर स्पेलिंग लिख दिया हूँ, मेधा शॉप बिहार डॉट इन, इसी प्रकार से आप यहाँ पर शो कर रहा होगा, सिंपल साइज वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे, जैसे मैं आपके सामने यहाँ पर देखिए क्लिक किया, आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएंगे। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन कर आएंगे तो यहाँ पर देखिए एक एक जानकारी लिखा गया है कि आपका पैसा के बारे में, कि कब से कब तक आप अपना ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप मैट्रिक के 10th पास प्रोत्साहन राशि के लिए अभी तक आप आवेदन नहीं किए हैं, जिसके लिए आपको यहाँ पर 31 जुलाई तक आपको मौका दिया गया है, तो आप अपना आवेदन कर लेंगे। अगर वहीं पर अगर आप इंटर के छात्राएं हैं तो आप यहाँ पर देखिए 31 जुलाई तक आपके लिए भी मौका दिया है, तो आप इसके लिए भी आवेदन कर सकते हैं। चाहे इंटर की छात्राएं हैं, लेकिन वो आपके जानते हैं आप इंटर के छात्राएं हैं, लेकिन आपको अर्थात कि आप SC ST से आते होंगे, तो ये भी स्कॉलरशिप के लिए आप अपना आवेदन कर लीजिएगा, इसमें भी आपको 15,000 तक की आपको राशि मिल जाएंगे। अगर आप SC ST के आते होंगे और छात्राएं होंगे, और मेधा योजना अर्थात कि इससे क्या कौन सा योजना बोलता है, तो इसे मेधावृत्ति योजना भी, अगर आप इसके लिए भी ऑनलाइन नहीं किए हैं तो कर लिए होंगे। या किनको लाभ मिलता है 15,000 का, तो जो SC ST के छात्राएं होते हैं उनके इसका लाभ मिलता है, और जो इंटर में पास किए होंगे उनके, और ये तो सबके लिए है, इंटर उत्तीर्ण ये सबके लिए। चलिए मैं आपको दिखा देने जा रहा हूँ क्या है प्रोसेस, पैसा के बारे में क्या बताया जा रहा है, अर्थात कि आप सभी चीज इतने दिन पहले कर दे, सिंपल साइज वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आपको देखने को मिलेंगे। इस प्रकार इसी साइड से आप अपना ऑनलाइन आवेदन किए होंगे, यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है अगर आपका बैंक खाता सीडेट होंगे तो आपके खाते में पैसा इसका भेज ही दिया जाएगा। सबसे पहले आप अपना ऑनलाइन आवेदन कर लिए हैं तो आपको सबसे पहले अपना स्टेटस चेक करना होगा, आपके स्टेटस में क्या बताया जा रहा है शो आपको सबसे पहले देखना होगा। तो इसके लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर आने के बाद रिपोर्ट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है, जिस प्रकार से मैं आपके सामने क्लिक किया, उसके बाद यहाँ पर देखिए सभी चीज डिस्ट्रिक्ट वाइज लिस्ट भी जारी किया गया है। इस पर मैं जैसे ही क्लिक किया आपके सामने यहाँ पर आप क्लियर देख पा रहे होंगे, चेक योर नाम इन द लिस्ट, ये भी
आपको फिर आपके सामने यहाँ पर देखिए क्लिक हेयर व्यू टू अप्लीकेशन स्टेटस, सिंपल सा इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। जैसे मैं आपके सामने क्लिक किया, आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आपको देखने को मिलेंगे। आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर अर्थात कि यहाँ पर टाइप कर उसके बाद यहाँ पर सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो चलिए मैं रजिस्ट्रेशन नंबर टाइप कर अपना सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर टाइप कर सर्च करना है। जैसे मैं आपके सामने सर्च किया, आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आपको देखने को मिलेंगे। आप यहाँ पर क्लियर देख पा रहे होंगे, आपके सामने यहाँ पर देखिए आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पर आना है, तो ये सभी चीज़ आप यहाँ पर क्लियर देख पा रहे होंगे। आपके सामने यहीं पर लिखा गया, यहाँ पर देखिए क्या लिखा जा रहा है। आप में भी लिखा होगा कि आपका अप्लीकेशन मान्य है, भुगतान की प्रक्रिया प्रारंभ होने तक प्रतीक्षा करें, योर अप्लीकेशन इज वैलिड, वेट फॉर पेमेंट स्टार्ट इन प्रोसेस, आपके प्रोसेस में। तो सभी चीजें आपको यहाँ पर, आपको क्या करना है, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करें, यहाँ पर आप क्लियर देख पा रहे होंगे, आवश्यक सूचना वगैरह सब आप में लिखा होगा। इसी प्रकार से आप नीचे यहाँ पर स्क्रॉल करेंगे, आपको यहाँ पर देखिए इसी प्रकार से लिखा होगा कि प्लीज चेक योर डिटेल बिफोर आफ्टर पेमेंट। आप यहाँ पर क्लियर देखिए, इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए चेक योर बैंक अकाउंट डिटेल आफ्टर फाइनलाइज सबमिट योर फॉर्म। आपका फाइनलाइज हो चुका है, सबमिट हो चुका है, और आपका बैंक अकाउंट का डिटेल भी आपका सबमिट हो चुका है, तो आपके खाते में यहाँ पर पैसा आपका भेज देने की प्रक्रिया बहुत जल्द शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको यहाँ पर लिस्ट वन में, आप यहाँ पर देखिए आपके सामने लिस्ट वन है, अर्थात कि आपका नाम लिस्ट वन में है। जैसे ही बिहार विद्यालय परीक्षा समिति आपके पास पैसा अर्थात कि प्रोत्साहन राशि जैसे ही वो सभी के बैंक अकाउंट में भेजेंगे, तो आपका नाम लिस्ट वन में है। इसी प्रकार से लिस्ट वन, लिस्ट टू, लिस्ट थ्री आपका तैयार होता है। तो सभी डिस्ट्रिक्ट वाइज आपका अलग अलग लिस्ट तैयार होता है। तो उस लिस्ट में अगर आपका नाम भी फर्स्ट लिस्ट में दिखा रहा है, तो जैसे ही पैसा भेजने की प्रारंभ स्टार्ट हो जाएंगे प्रक्रिया, आपके खाते में सबसे पहले पैसा जाएंगे। इसीलिए यहाँ पर लिस्ट वन का मतलब ये है। फिर उसके बाद लास्ट डेट वेरीफाई ऑफ योर बैंक डिटेल, तो आपका 10/7/2024 तक अगर आपका इतने के बीच में आपका बीच में अगर आपके बैंक में अगर वेरीफाई हो गया होगा तो आपका पैसा आ जाएंगे। यहाँ पर क्लियर बताया क्लिक हेयर टू योर डिटेल्स, आप सिंपल सा इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने सभी डिटेल आपके सामने यहाँ पर देख पाएंगे कि आपका कब फॉर्म भरे थे, कब कैच किए थे, सभी चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। आप कितने बजे फॉर्म भरे थे, आपका जो भी आपका नाम वगैरह सभी चीज़ यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आप इतना कार्य कर लीजिए। उसी प्रकार मैट्रिक के होंगे छात्र, तो मैट्रिक वाले अपने आप आएंगे, मैट्रिक वाले ऑप्शन पर यहाँ पर क्लिक करेंगे। मैट्रिक वाले जो भी आप अपना डिटेल भरे होंगे वो सभी डिटेल यहाँ पर देंगे। यहाँ पर सिंपल सा मैं आपको यहाँ पर मैट्रिक वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दिखा देने जा रहा हूँ। जैसे मैं क्लिक किया, आपके सामने यहाँ पर देखिए कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आपको देखने को मिलेंगे। आप भी यहाँ पर रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर आएंगे, यहाँ पर आप क्लियर देखिए अपना इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर रिपोर्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप भी अपना स्टेटस चेक कर लीजिए इसी प्रकार से। तो अभी के इस वीडियो में मैं आपको पूरे डिटेल में बता दिया कि आपको किस प्रकार से प्रोसेस में आपको दिखाएंगे कब तक आपके बैंक अकाउंट में पैसा आ जाएंगे, इतना तारीख तक आपके बैंक में अगर वेरीफाई हो गया होगा तो आपके बैंक अकाउंट में 10/7/2024 तक पैसा यहाँ पर बताया जा रहा है कि आ जाएगा। लेकिन वेरीफाई तो हो गया होगा तो आपके बैंक अकाउंट में आ ही जाएगा, तो इसके लिए आपको क्या करना है, वेट करते रहना है। यहाँ पर आपको क्लियर देखा है कि प्रोसेसिंग में बता रहा था सभी का, तब तक आपका पैसा खाते में भेज दिया जाएगा। अगर आप मैट्रिक के होंगे चाहे इंटर के छात्र होंगे तो अभी तक आपको, और आपको बता दें कि एक छात्र यहाँ पर मैसेज, सभी छात्र हमें व्हाट्सएप पर ये डिटेल भी सेंड किया, मैं आपको यहाँ पर दिखा देने जा रहा हूँ। ये डिटेल आपको यहाँ पर देखिए एक छात्र हम के द्वारा, छात्राएं के द्वारा सेंड किया गया है कि 25,000 की राशि बताया जा रहा है कि इसके खाते में आ चुका है। तो देखिए ये आपका पुराना डाटा है, अभी तक किसी का खाते में यहाँ पर पैसा नहीं आया। यहाँ पर अगर मान लीजिए आया भी होगा तो ये दूसरे चीज का यहाँ पर बताया जा रहा है। यहाँ पर देखिए क्योंकि यहाँ पर लिखा रहता है कि आपका किस चीज का पैसा, तो यहाँ पर डियर कस्टमर डीबीटी गवर्नमेंट पेमेंट 25,000 क्रेडिट यहाँ पर बताया जा रहा है। फिर उसका अकाउंट नंबर है, SBI में यहाँ पर ट्रांसफर बताया जा रहा है। लेकिन यह डाटा आपका सही है या नहीं, तो ये तो आपको यहाँ पर आपका जैसे ही पैसा अगर आपका सरकारी तो आएंगे तो वहाँ पर लिखा रहेगा मुख्यमंत्री वाला, मुख्यमंत्री, तो यहाँ पर मुख्यमंत्री कहीं भी नहीं दिखा रहे, तो इसको आपको गलत मानना है। क्योंकि काफी छात्र में ये सेंड किया कि देखिए ये पैसा आ तो नहीं रहा है, 25,000 सबके राशि में खाती। तो आपको क्लियर समझना है कि आपको इस प्रकार से मैसेज अगर कोई आपको दिखा रहा है तो आपको इसमें देख लेना कि मुख्यमंत्री तो प्रोत्साहन योजना नहीं है। अगर मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना राशि अगर इसमें लिखा रहेगा तब आपको क्लियर समझना है कि आपका पैसा आया है। यहाँ पर हमें कहीं भी देखने को नहीं मिल रहा है कि मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना, तो कहीं भी, तो आपको यह गलत समझना है। तो चलिए अभी के वीडियो में इतना ही थे, मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारे साथ व्हाट्सअप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सअप चैनल से ज्वाइन हो जाइए। जैसे ही पैसा आएंगे उसके लिए मैं सभी का डिटेल यहाँ पर बता दूंगा। सभी चीज यहाँ पर जो भी आपको इस चैनल पर अपडेट किया जाता है सबसे पहले आपको अपडेट मिल जाएंगे। उसके साथ साथ सही जानकारी और सही सूचना के लिए भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।